चेतेश्वर फास्ट फूड सेंटर, यह फास्ट फूड सेंटर है जहाँ पर इडली सांबर चटनी पोड़ी के साथ ओनली 20 रुपए प्लेट एक नग। यहाँ पे चाउमीन है, दाबेली है, और क्या क्या सर क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पे? इडली है, डोसा है, चाउमीन, मंचूरियन, पाव भाजी, सैंडविच। सबका अलग अलग प्राइस है कि एक ही प्राइस है? नहीं, सबका अलग अलग है। अलग अलग प्राइस है। वैसे नॉर्मली प्लेट का क्या रहता है? नॉर्मली 50 रुपए स्टार्ट। 50 रुपए से। आपके आपके यहाँ का प्रसिद्ध क्या आइटम है सबसे बेस्ट जो आपको लगे कोई हमें ये अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से ज्यादातर मंचूरियन और पाव भाजी जाती है, सबसे ज्यादा बिकता है। पर मैंने तो सुना है दाबेली बड़ी अच्छी बनाते हो आप। दाबेली भी वो तो पर्सनल है ही, मतलब और चाइनीज और भी आइटम बता रहा हूँ, चाइनीज भी ये दो आइटम सबसे ज्यादा जाते हैं। और गर्मी से राहत पाने के लिए मैंगो जूस भी है। हम आज ऑर्डर देते हैं इनसे दो दाबेली का। ऐसा बढ़िया से आपके हिसाब से दो दाबेली बनाइए। ठीक है। आ गए इनके ऑनर श्री जयप्रकाश जी खारवार। तो वासा आप रहे किकर संडे रो मेरा भी जो किकर रहे बढ़िया रहे। और आठ दिन नॉर्मल आ रहे वो नॉर्मल आ रहे 3000-4000 सेल कर रहा है, नॉर्मल सेल कर रहा है। बढ़िया लगो, मैं दो तीन बार आया गया तो डबल ही बढ़िया बना। मैं ये सुखपाल तो बढ़िया ही बना रहे डबल ही मार 100-200 डबल ही जाते हैं। चले नहीं बाबा ये भाई रेट एक डबल ही 20 रुपया नॉर्मल रेट है 20 रुपया। यही टेस्ट कराओ किकर है, पहली बार आया हूँ सागवान है। आलिया मूंगफली है, मिनट प्याज है, ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है, मीठी इमली की मसाला कहाँ से? मसाला है किस चीज का मसाला? आलू का है। आलू का, आलू का मसाला। तब होती है जब आप किसी चीज को बनाते हुए देखते हो, जब उसकी खुशबू आ जाए तो एकदम स्वाद कलर है। बस खाना तो इसी आइटम को है। आज कहीं भी चले जाओ, किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ की जो महक रहती है ना, उससे आदमी खींचे चला आता है कि भाई यार क्या आइटम बना। आओ तो आओ नेटवर्क आओ तो आई आई जा ही करे। मीठी चटनी, टमाटो सॉस, प्याज कम कम, अच्छा चमदार बस लो बनकर तैयार है हमारी दाबेली। आइए भाऊ जी टेस्ट करते हैं कैसी है, आपके लिए भी लग रही है।